दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप एक बड़े साइज की फाइल को आसानी से ईमेल या सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, जानने के लिए बने रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों मुझे अक्सर जो है बड़े साइज की जो फाइल्स हैं उन्हें शेयर करना पड़ता है ऑनलाइन। अब यहाँ पे जो है मैं कई सारे तरीके जो है उनसे जो फाइल्स को है शेयर कर सकता हूँ। जो सबसे पहला तरीका है वो है ईमेल के थ्रू। अब यहाँ पे जो है मैं किसी फाइल को एज एन ईमेल अटैचमेंट में शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जीमेल की, तो वहाँ पे आपको महज 25 MB की जो अटैचमेंट है उसकी लिमिट रहती है। यानी अगर आप 25 MB की जो फाइल है उससे ज़्यादा की अपलोड करने जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी फाइल है वो गूगल ड्राइव पे जाके अपलोड हो जाती है। और यहाँ पे जो है मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरा गूगल ड्राइव का जो स्पेस है, जो स्टोरेज है, वो लिमिटेड है और मैं उसको इंपॉर्टेंट फाइल्स के लिए ही बचा के रखता हूँ। इसके अलावा जो एक और तरीका है फाइल्स को शेयर करने का वो है ड्रॉपबॉक्स के थ्रू। अब वहाँ पे भी स्टोरेज की प्रॉब्लम मुझे आती है, क्योंकि जो ड्रॉपबॉक्स है उसको भी मैं यूज़ करता हूँ खाली इंपॉर्टेंट फाइल्स को शेयर करने के लिए। अब तीसरा जो तरीका है जिसको कि मैं प्रेफर करता हूँ बड़ी साइज़ की फाइल्स को शेयर करने के लिए, और वो है ऑनलाइन फाइल ट्रांसफ़र सर्विसेज का यूज़ करना, जैसे कि वी ट्रांसफ़र। दूसरी जो वी ट्रांसफ़र है काफ़ी पुरानी वेब सर्विस है जिसकी मदद से आप एक बड़े साइज़ की जो फाइल है उसको शेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से ऑनलाइन किसी के साथ भी। अब यहाँ पे ये जो वेब सर्विस है एक फ्रीमियम वेब सर्विस है जहाँ पर कि आपको एक फ्री प्लान देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप 2 GB तक की जो फाइल है उसको शेयर कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस फ्री प्लान के लिए आपको कोई अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सर्विस की मदद से फाइल को शेयर करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे बस इनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ पे एक बॉक्स दिख जाएगा जहाँ पर कि आपको फाइल या फोल्डर अपलोड करने का फीचर मिलेगा। आपको वहाँ पे फिर सेंडर और रिसीवर का मेल डालना है और मैसेज अगर कुछ हो तो वहाँ पे एंटर कर देना है और फिर अपलोड कर देना है फाइल को। अब जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी वहाँ पे फिर जो रिसीवर है उसके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जो फाइल है वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब जो डाउनलोड लिंक है वो वैलिड रहेगा अगले 7 दिनों के लिए। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप वी ट्रांसफ़र का ही यूज़ करें, इसके अलावा भी कई सारी वेब सर्विस हैं जिनकी मदद से आप जो है बड़े साइज़ की फाइल को शेयर कर सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़्यादातर जो उनके फ्री प्लान्स हैं वही काफ़ी रहेंगे आपके लिए अगर आपको एक बड़े साइज़ की जो फाइल है शेयर करनी है और आप नहीं चाहते हो कि जो आपके जो वैल्यूबल स्टोरेज है आपके ड्रॉपबॉक्स पे या आपके जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसको अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ये सर्विसेज का आप यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए